गाइस वेलकम टू द टेक्निकल एंगल चैनल तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं मेरे नए फोन की विच इज़ पोको एक्स फाइव प्रो तो ये फाइव जी फोन है गाइस जी हाँ मैंने ये अभी रिसेंटली परचेज करा है फ्लिपकार्ट से एंड इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स हम जानते हैं इसके अनबॉक्सिंग वीडियो में राइट सो लेट्स डू द अनबॉक्सिंग और अगर गाइज तो फटाफट से जान लेते हैं इस बॉक्स के बारे में इसके अंदर 108 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है इंक्लूडिंग इसमें रियलिटी फ्लो बताते हैं ये लोग जिसमे की एमोलेट स्क्रीन है, 120Hz, रिफ्रेश फुल डी प्लस टेक्नोलॉजी एंड एटमोस इज डॉलोसो इसके अलावा यहाँ पर स्नैपड्रैगन का सेवन गेमिंग वाला प्रोसेसर है जो कि फाइव सपोर्ट करता है और इसके साथ आपको 67 सेवन वॉट का डाबो चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है विद 5000 थाउजेंड बैटरी और ये जो वेरिएंट है फोन का ये जो मैंने मंगवाया है ये है एट जी बी विथ टू फिफ्टी ऑफ द मेमोरी राइट तो बेसिकली एट जी रैम है और दो सौ हमारा स्टोरेज है एंड दिस इज ऑफ द येलो कलर सो पोको के साथ यू नो काइंड ऑफ लाइक उनका पेटेंट ही हो गया एक तरीके से जिसमें लोग येलो कलर लो को ज्यादा स्पॉन्सर करते हैं राइट सो कमिंग टू द बॉक्स बेसिकली मैंने इसको पहले ही खोल लिया था द रीजन बींग की ये फ्लिपकार्ट से आया है तो मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस करूंगा कि जब भी आप लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं कुछ तो आप एक बड़ी ओपन बॉक्स डिलीवरी ले लो सो so दैट इसमें आपको पता कि क्या क्या कंटेंट्स हैं एंड देर इज नो फॉल्स प्ले दैट मे हैपन इन फ्यूचर ठीक है तो लेट्स अनबॉक्स दिस गाइस एंड सी इसमें है क्या क्या अवेलेबल ठीक है तो फटाफट -फड़ इसको ओपन करते हैं आप लोगों के सामने तो तो ये हमारा तो बॉक्स हो गया इसके अंदर हमें खोलते ही आपका पोको का आई थिंक ये पेपर वर्क है जो आया है हमारे पास बट एक बार हम चेक कर लेते हैं ठीक है इसमें सिम इंजेक्टर ट्रे है और इसके अंदर कुछ पेपर वर्क है और इसके अंदर यहाँ पर हमें इसका यू कवर मिल रहा है राइट तो आई थिंक इसके अंदर टी कवर सिंपल सा ही है बेसिक सा है जो नॉर्मली मिलता है हम लोगों को है ना दूसरे स्मार्टफोन से ठीक है इसको हम साइड कर देते हैं और राइट अब हमारे पास जो बेसिक हमारा फोन आता है गाइस इसको मैंने पहले ही जैसा कि आप जानते हैं मैंने एनेबल करके आई मीन स्विच ऑन करके चेक कर लिया था तो फटाफट से इसको बाहर निकाल लेते हैं ठीक है तो गाइस ये हमारा फोन है ठीक है इसको फटाफट से हम बाहर खोल लेते हैं हम um. रैपिंग अच्छी है येलो कलर में है मेरा ये वाला फोन और इसके साथ जो हमें दिख रहा है ठीक है मुझे कैसे ये नहीं पता कि इसका जो पीछे जो ये स्टीकर होता है हम निकाल सकते हैं नहीं बट इसमें यहाँ पे लिखा होता है कि टू प्रोटेक्ट योर कंज्यूमर राइट्स आप इसको मत निकालो आई डोंट नो इट्स अप टू यू मे बी शायद मैं निकाल दूं ठीक है ना इसके अलावा आपको पता ही है इसमें दो मेगापिक्सल पिक्सल एक सौ आठ मेगा पिक्सल और एक और कैमरा है ऑनलाइन जो आपको बता देंगी कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस अवेलेबल हैं इसके अंदर और इसके अलावा ये हमारा फोन है तो फोन आपको पता ही है जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ही स्विच ऑन करके थोड़े से ऐप इंस्टॉल करके चेक कर लिया था सब कुछ सो देट वी डोंट हैव एनी इश्यूज इसके अलावा मैं आपको इसकी तुरंत सेटिंग्स में जाकर दिखा देता हूँ क्या क्या अवेलेबल है स्टोरेज में तो ठीक है स्टोरेज में जाते हैं गाइस तो आप देख सकते हो दो सौ छप्पन जीबी अवेलेबल है और ये मी यू आई वर्जन फोर्टीन uh, पर अवेलेबल है जो कि एंड्रॉयड ट्वेल्व पर चलता है अभी और आई थिंक ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में इनको थर्टीन देना चाहिए था वर्जन बट ठीक है विच इज फाइन सो आई हैव एनी इश्यूज ठीक है इसके अंदर वाइड वाई नन का सपोर्ट है ठीक है ना यू एफ एस टू पॉइंट टू का सपोर्ट दे रहे हैं थ्री पॉइंट वन का नहीं है ठीक है ना और एल डी आर जो रैम है वो भी इसका फोर तो दीज आर फ्यू डिटेल्स जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इसके अलावा फोन नेवर इसमें मुझे कोई इशू नहीं आया मैंने वन ट्वेंटी हर्ट एनेबल करके रखा हुआ इसके अंदर सिर्फ जस्ट चेक इन द सेटिंग्स है ना आई थिंक यहाँ पर ही कहीं पर ऑप्शन अवेलेबल होता है uh, डिस्प्ले का राइट सिर्फ यू गो इन टू डिस्प्ले ठीक है तो ये रिफ्रेश रेट ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास राइट सो बाई डिफॉल्टलवेज इन सिक्सटी हर्ट्स बट आप इसको चेंज कर ले लेवेंटी हर्ट्स में ठीक है सो दैट यू नो रिफ्रेश रेट काफी बेटर हो जाएगा आपका इसके अलावा गाइस इस फोन में और क्या चीज अवेलेबल है मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको अगर आई डोंट नो इफ यू कैन सी है ना यहाँ पर आपका थ्री पॉइंट फाइव एम चैक है हेडफोन लगाने के लिए ठीक है ना स्पीकर अवेलेबल है ऊपर भी और नीचे भी डैल डॉलोस साउंड सपोर्ट करता है आई विल शो यू द ऑडियो क्वालिटी एज वेल इसके अलावा आपको दिख रहा है यूएसबी टाइप सी सिम इजेक्टर नॉइस कैंसिलेशन ठीक है और यहीं पर इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी है जो येलो में ही है वॉल्यूम रॉकर्स अवेलेबल है और सेल्फी कैमरा आपको है सोलह मेगा पिक्सल का है और हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं ऑडियो वगैरह चेक कर लेते हैं टू एड एनी कॉपी राइट हम लोग नो कॉपी राइट वाला म्यूजिक प्ले करेंगे ठीक है जस्ट टू चेक द ऑडियो राइट ठीक hmm, है मैं इसका वॉल्यूम इंक्रीज करता हूँ like like तो गाय इसका ऑडियो काफी अच्छा है आप लोग खुद ही देख सकते हो ठीक है और आई थिंक ये आपके जो अगर आईफोन अगर कोई यूज करता है उससे मुझे बेटर ही लगा है बिकॉज मैं जिस फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ऑलरेडी आई फोन इलेवन मैक्स प्रो है तो मैं ऑलरेडी वो यूज कर रहा हूँ मुझे पता है कि काफी ज्यादा बेटर है ये ऑडियो इसके अलावा फोन में और क्या क्या आता है वो हम देख लेते हैं जरा तो एक कवर हटा देते हैं इसके अलावा हमारे पास ये सिक्सटी सेवन वोट का फास्ट चार्जर देते हैं श्योमी की तरफ से आता है और इसके अलावा यहाँ पर चार्जिंग केबल अवेलेबल है ठीक है चार्जिंग का केबल आप लोग देख सकते हैं काफी लंबी आई थिंक ठीक है सो दिस इज गुड गाइस सो यू कैन सी है ना तो so, ओवरऑल मुझे फोन का परफॉर्मेंस गाइस आई थिंक दो तीन दिन से मैं यूज कर रहा हूँ ऑलरेडी और मुझे ठीक लगा है बाकी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग ये फोन कैसा है या आप लोग कोई और फोन का अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो आई विल क्रिएट मोर वीडियो सिमिलर टू दिस फॉर द फोन अनबॉक्सिंग एंड फोन रिव्यूज ठीक है थैंक्स गायस थैंक्स फॉर वॉचिंग डिटेल्स टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बाय